नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे मार्केट में अवेलेबल सबसे बेहतर 3 43 इंच 4K स्मार्ट टीवीज का। तो जो 3 TVs का इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे वो है वू का 4K अल्ट्रा टीवी, MI का 4X टीवी और सैनियो का काइजन सीरीज 4K टीवी। तो इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में हम लोग कंपेयर करेंगे इन 3 TVs का। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इन तीनों टीवीज का सिमिलैरिटी। तो ये जो 3 TV है ये 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन का है और इनका जो साइज है वो भी 43 इंच का है। इसका जो रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है इन तीनों टीवीज का वह है 60Hz का और इसमें जो है आपको कई सारे स्मार्ट ऐप्स मिल जाते हैं जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और गूगल की पूरे सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है जैसे मूवीज, गेम्स और म्यूजिक। एक और पॉइंट इसमें आपको नोट करना चाहिए, वू और MI का जो टीवी है उसमें प्राइम वीडियो भी अवेलेबल है, वहीं पे सैनियो में आपको प्राइम वीडियो नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और जो कंपैरिजन शुरू करते हैं, जो फर्स्ट जो पैरामीटर रहेगा वो है डिज़ाइन के ऊपर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो वू का जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है उसमें आपको बेजललेस डिज़ाइन मिल जाता है, वहीं पे MI का जो 4X स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है वहाँ पे आपको थिन बेजल डिज़ाइन मिलता है और सैनियो का जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है वहाँ पे आपको बेजललेस डिज़ाइन मिल जाता है। तो अगर आपको एक बेजललेस डिज़ाइन चाहिए, बिल्कुल भी बेजल नहीं चाहिए, तो आप वू का टीवी ले सकते हो या फिर सैनियो वाला टीवी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बेजल चलता है तो आप MI वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें थोड़ा सा बेजल आपको दिखेगा। अगला पैरामीटर में बात करते हैं डिस्प्ले पैनल के ऊपर। वू का जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है इसमें आपको मिल जाता है VA DLED पैनल विथ HDR10 सपोर्ट और इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो है 400 nits का। वहीं पे मैं बात करता हूँ अगर MI का जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है यहाँ पे आपको मिल जाता है VA DLED पैनल विथ HDR10 सपोर्ट पर यहाँ पे ब्राइटनेस आपको मिलता है सिर्फ 200 nits का। सैनियो का जो 4K स्मार्ट टीवी है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है IPS DLED पैनल विद HDR10 सब और ब्राइटनेस लेवल आपको देखने को मिलता है 300 nits का। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि VA DLED पैनल जो है वो बेहतर होता है IPS DLED पैनल से। तो अगर आपको एक बेहतर पैनल चाहिए तो आप वो या तो अगर मैं ब्राइटनेस लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टीवी को एक लाइटेड रूम पे देखते हो या फिर डायरेक्ट सनलाइट आता है आपके टीवी के ऊपर तो वहां पे आपका वू का जो एंड्रॉयड टीवी है सबसे ज्यादा निट्स लेवल है ब्राइटनेस के मामले में, 400 निट्स आपको मिल जाता है। वहीं पे सैनियो में 300 मिलता है। तो आप वू या सैनियो में से चुन सकते हो अगर आपको ब्राइटनेस लेवल अच्छा चाहिए। अगला पैरामीटर जो है वो है स्मार्ट एंड्रॉयड फीचर्स का। वू का जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है इसमें आपको एंड्रॉयड 9 विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिलता है। MI 4X में भी आपको एंड्रॉयड 9 विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिलता है। सैनियो का जो काइजन सीरीज है वहां पे भी आपको मिलता है बिल्ट इन क्रोमकास्ट पर यहां पे आपको मिल जाता है गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉयड 9 टीवी। तो अगर आपको एक गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉयड 9 टीवी चाहिए तो आप सैनियो वाला चुन सकते हो, नहीं तो तीनों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 9 पे ही चलता है। अगला जो पैरामीटर है वो है प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चीज़ है एक टीवी के लिए। तो यहाँ पे वू का जो टीवी है यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉर्टेक्स का A55 CPU विथ माली 470 MP3 GPU। रैम आपको मिल जाता है 2GB का और 16GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है। वहीं पे MI का जो 4X टीवी है यहाँ पे कॉर्टेक्स A53 CPU मिल जाता है विथ माली 450 MP3 GPU, 2GB का रैम और 8GB का स्टोरेज। सैनियो का जो काइजन सीरीज है यहाँ पे आपको मिलता है MT5660 क्वाड कोर प्रोसेसर विद माली 453 MP3 GPU विद 1.75GB रैम एंड 2GB स्टोरेज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की तो जो वू का जो प्रोसेसर है थोड़ा अच्छा है MI और सैनियो से, उसमें आपको 470 MP3 GPU देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ रैम की तो वू और MI में आपको 2GB का मिलता है, सैनियो में आपको 1.75GB का मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है, पर स्टोरेज के मामले में वू बहुत ही अच्छी तरीके से MI 4X और सैनियो को बीट करता है क्योंकि उसमें आपको 16GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। अगला जो पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है टीवी का साउंड क्वालिटी। वू में आपको मिल जाता है 24 वाट का स्पीकर विद डॉल्बी डिजिटल एंड DTX वर्चुअल X, वहीं पे MI का 4X में आप
आपको मिलता है 20 वट का स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो। सैनियो का जो कजन सीरीज में आपको वही 20 वट का स्पीकर्स देखने को मिल जाता है और डॉल्बी डिजिटल एंड डीटीएक्स ट्रू साउंड देखने को मिलता है। तो स्पीकर्स के मामले में वो में आपको ज्यादा वटेज का स्पीकर्स मिलता है, वही तीनों में आपको डॉल्बी डिजिटल ऑडियो मिल जाता है। अगला जो पैरामीटर है वो है कनेक्टिविटी ऑप्शन का। तो वू का जो स्मार्ट एंड्रॉयड अल्ट्रा 4K टीवी है, इसमें आपको तीन HDMI पोर्ट मिल जाता है, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, दो USB पोर्ट है, एक ऑप्टिकल ऑडियो है, एक हेडफोन जैक है और एक HDMI CEC पोर्ट मिल जाता है। ये जो टीवी है ये डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करता है और ब्लूटूथ 5.0 इसमें दिया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं MI का जो 4X टीवी है, यहाँ पे आपको मिलता है तीन HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट, एक AV पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट और इसमें भी आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ सपोर्ट ये करता है 4.2 का। सैनियो का जो टीवी है उसमें आपको मिलता है तीन HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट, एक ऑप्टिकल ऑडियो इन, एक ऑप्टिकल ऑडियो आउट, ब्लूटूथ 5.0 ये सपोर्ट करता है और इसमें आपको देखने को मिलता है सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट। तो अगला पैरामीटर में बढ़ते हैं वॉल माउंट सपोर्ट। तो वू में आपको जो है पैक के साथ ही वॉल माउंट आपको मिल जाता है और जो MI का जो 4X टीवी है इसमें आपको पैक के साथ वॉल माउंट नहीं मिलता है, आपको ये अलग से खरीदना पड़ता है इसका वॉल माउंट और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वहीं पे सैनियो का जो टीवी है इसमें भी आपको पैक के साथ जो है वॉल माउंट मिल जाता है। तो ये था एक कंपैरिजन वू, MI और सैनियो का 4K 43 इंच टीवी का। तो इन सभी टीवीज का मैं बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, वहां पे जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हो और इनको खरीद भी सकते हो। तो आशा करता हूँ ये कंपैरिजन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म।